नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं वो बहुत सारी समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर, सरल और कारगर विषय है। ये क्रिया शनिवार और हनुमान जी के साथ बहुत बेजोड़ जुड़ी हुई है। दोस्तों इस कलयुग में हनुमान जी हाजिर हुजूर देव है। जहां भी राम भगवान श्री राम का रामायण का पाठ या श्री राम की कहीं भी पूजा होती होगी वहां हनुमान जी 100% हाजिरी देते हैं। और जो भी हनुमान जी की शरण में चला जाता है दोस्तों, उसका इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। हर संकट से उस व्यक्ति की रक्षा होती है, चाहे वो शत्रु नाम का संकट हो या फिर किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है या फिर उसके पास धन की कमी है या फिर उसको उसके बिजनेस में या सर्विस में कोई दिक्कतें आ रही हैं। उसकी हर समस्या का निदान पवन पुत्र हनुमान जी अपने आप करते रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो क्रूर ग्रह हैं उनके शिकंजे में भी अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, उन क्रूर ग्रहों की कुदृष्टि व्यक्ति पे पड़ रही है तो वो ग्रह भी शांत हो जाते हैं और उस जातक को वो ग्रह भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर पवन पुत्र हनुमान की कृपा है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात अगर आपने पहली बार ली है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ऐसी ही बहुत सारी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों पहला ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छी जानकारी अगर आप किसी को फॉरवर्ड करते हैं और उसका काम बनता है तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों शनिवार के दिन आपको ये क्रिया करनी है। आप सभी ने सुना है कि पान दोस्तों एक ऐसी चीज है, जो व्यक्ति पान खाते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि पान में जो भी सामग्री डाली जाती है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके कारण काफी सारे ग्रह अपने आप खुश हो जाते हैं। और पान खाने वाला व्यक्ति खुश रहता है और खुश रहने के कारण उसके पास एक मजबूत मनोबल होता है। दोस्तों पान में मीठे पान में सौंफ भी डाली जाती है, इलायची भी रखी जाती है और मीठा गुलकंद होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। लौंग भी होती है, लौंग हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो आपको एक मीठा पान बनवा लेना है। अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो पैसे संबंधी हो, कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है, आपके घर में कलह कंकास है, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आप नौकरी धंधे में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं जिसके भी यहाँ हों उस व्यक्ति को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। आपको किसी भी पान के दुकान पर जाना है और हनुमान जी को जो चढ़ता है ऐसा एक पान बनवा लेना है, वो अपने आप आपको बना के दे देगा, वो एक पान ले ले। दोस्तों आपको दो चीज और ले लेनी है पान के साथ, दो लौंग और दो इलायची। इलायची माता लक्ष्मी को खुश करती है और माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए इलायची मजबूर कर देती है। दूसरा आपको फूल वाली दो लौंग ले लेनी है, ये अलग से लेना है और ये लेके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। शनिवार के दिन में आप कभी भी जाएं,
ये जो पान है वो तो आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, और जो दो इलायची और दो लौंग आपने लिया है वो भी हनुमान जी के चरणों में रख देनी है, और आपकी जो भी समस्या है आपको वो समस्या मन ही मन हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होके बोलना है, और समस्या बोलने के बाद आप वो दोनों इलायची और दोनों लौंग वहां से वापस ले लें और किसी कागज में एक पुड़िया में उनको रखें, उसकी पुड़िया बनाएं और किसी प्लास्टिक की थैली में उसको पैक कर लें, और वो चीज दोनों आप अपनी जेब में रख लें। दोस्तों आप जहां भी जाएंगे जिस काम से भी जाएंगे उस काम में तो आपको सफलता मिलेगी ही, प्लस जिससे भी मिलेंगे वो व्यक्ति आपको उदार ढंग से आपके साथ व्यवहार करेगा, और आप जिस काम से भी गए वो खुशी खुशी आपके उस काम को करके दे देगा। आप चाहे जो भी चाहते हैं वो सब कुछ होने लग जाएगा, शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा का चक्र आपके चारों तरफ लगा हुआ है, इसलिए आपको कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकता, आपके कारोबार में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी नौकरी में भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इलायची आपने रखी है जिससे माता लक्ष्मी आपके घर पे 100% आने के लिए मजबूर हो जाएंगी, और जो लौंग रखी है उससे हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी, माँ दुर्गा की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। तो चलिए दोस्तों ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक है, इसको करने में अगर कुछ ऐसा लगे कि ये समझ में नहीं आया तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।